तो भाई हमारे पास डिजायर आ रखी है, आ रखी है कहाँ से मैं आपको दिखाऊं, तो बीआर नंबर रहने वाला है, बिहार से गाड़ी आ रखी है। नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसके अंदर, ये देखो सीट कवर्स यहाँ पे फिटिंग के काम स्टार्ट है और अल्ट्रा कुशनिंग वाले और अल्ट्रा थाई के साथ ही सीट कवर्स यहाँ पे रेडी किए जा रहे हैं। आगे के हेडलाइट मॉडिफिकेशन, आईपीएच के प्रोजेक्टर, 130 वोल्ट की एलईडी, उसके बाद बताऊं मैं आपको तो यहाँ पे बोनट में भी डैम्पिंग हम लोग ने कर दिया जो कि हैवी थिकनेस में रहती है। इसकी साइज देख लो आप, 0.5 mm की साइज इसकी रहने वाली है। उसके साइड मिरर में इसके मोटर इंडिकेटर दोनों फिट हो रहे हैं। 18 मॉडल ये रहने वाली थी जिसके अंदर पूरी नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे यूनो मिंडा की डैम्पिंग हम लोगों ने कर दी जो कि डबल लेयर रहने वाली है। उसके अवतार के यहाँ पे स्पीकर्स डाल रहे हैं जो कि आगे पीछे भी डलने वाले हैं कॉम्पोनेंट कोएक्सल। और यहाँ पे हम लोग ने फ्लोरिंग कर दिया जो कि अपनी क्रोकोडाइल वाली शेप रहती है। 10 इंची के एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस में यहाँ पे इंस्टॉल करें, पूरा गाड़ी इंटीरियर करने वाले हैं। तो अभी तो गाड़ी आपको ऐसी खुली हुई सी दिखेगी, अब थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी अपनी कैसी कंप्लीट यहाँ पे दिख रही है और कैसा प्यारा सा लुक निकल के आ रहा है, मुझे जरूर कमेंट में आप बताना। हमारा इंटीरियर का सारा पार्ट्स आ चुका है हमारे पास, ये रेडी हो गए, मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। ये अपना गियर कंसोल का रहने वाला है, ये अपना फ्रंट का डोर रहने वाला है ट्रिम। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको कल टुमारो में दिखाऊंगा मॉर्निंग में कि अपनी कैसी इसकी फाइनल लुक निकल के आई है। इतने सारे पीसेस अपने होके आए हैं पैंट, तो एक बार जैसी ये लगेंगी गाड़ी के अंदर तो गाड़ी बेहतरीन दिखने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो 18 मॉडल डिजायर आ रखी थी बीआर नंबर, यहाँ पे हम लोग की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रंट से लेके बैक से लेकर अंदर इंटीरियर लग्जरी लुक जो भी कुछ किया हम लोग ने इसके अंदर 3 दिन के अंदर प्रोसेस, मैं आपको पूरी मेहनत दिखाता हूँ अपनी, जो मेहनत हम लोग ने इस गाड़ी के अंदर किया है अपनी डिजायर के अंदर बीआर नंबर में A4 का एसेसरीज पे, जो कि आप भी आके अपनी इस तरीके से मॉडिफिकेशन नेक्स्ट लेवल आप करवा सकते हो। पूरी 3 दिन की मेहनत में आपको दिखाने वाला, तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो कर लेना और अपने बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर कर लेना, इससे हर वीडियो आप लोग के पास टाइम टू टाइम मिलती रहे अपडेट। तो चलते एक बार सामने की तरफ से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम लोग ने कर दिया हेडलाइट मॉडिफिकेशन जिसके अंदर डायमंड आई, अपनी लेजर प्रोजेक्टर, अपनी इसके अंदर LED DRL सब कुछ, एवरीथिंग इसी के अंदर सब कुछ है। नीचे की तरफ यहाँ पे हम लोगों ने DRL लगा दिया जो कि मैं आपको दिखाऊँ, IPS का प्रोजेक्टर 200 वोल्ट LED के साथ आर पार लेवल की रोशनी भी निकाल के दे देगा आपको। देखो फॉग लाइट की रोशनी जो कि आपके सामने में है। हेडलाइट में स्टार्ट करूँ तो हेडलाइट आप इसका देख लो, हेडलाइट का कुछ ये एनिमेशन आपको निकाल के देगा जो कि आपके सामने में है। कितना प्यारा एनिमेशन निकल के आ रहा था। यहाँ पे डायमंड आई का आप कलर भी अपने हिसाब से मोड बाय मोड इसको चेंज कर सकते हो जो कि लुक वाइज कैसे निकल के आ रही है एक बार जरूर मुझे देख के बताओ। आर पार लेवल की आपको रोशनी यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देगा जो कि मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो आप बहुत तगड़ा डिप्पर इसका भी रहने वाला है। आर पार लेवल की रोशनी आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। उसके बाद जो हम लोगों ने साइड प्रोफाइल में काम किया, 14 इंची के सेम टायर में अपनी अलॉय हम लोगों ने लगाया जो कि आपको कैसे लग रहे हैं, और ये भी अपने लोकल में नहीं रहते हैं यूनो मिंडा के, अपने ये अलॉय व्हील रहने वाले जो कि आपके सामने में है। किसी भाई को सेम अलॉय लगवाने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको सेम अलॉय यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा। 18 मॉडल रहती है, इसके अंदर ऑटो फोल्डिंग मिरर नहीं आते हैं, तो इसके अंदर मोटर इंडिकेटर हम लोग ने इंस्टॉल कर दिया है जो कि मैं आपको दिखाऊँ, वन क्लिक में ही अपना चालू होगा। और ये देखो आप कंट्रोल भी कर सकते हो, मैं यहाँ से अंदर से कंट्रोल कर रहा हूँ ईजिली, और भी हमको अपने आप ईजिली कंट्रोल कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। उसके बाद जो हम लोग ने इसके अंदर काम किया है बैक साइड में, मैं आपको बताऊं पीछे का बैग यहाँ पे लेग गार्ड हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया जो कि आपके सामने में लुक वाइज काफ़ी हैवी भी सा है, यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद क्वालिटी भी अच्छी है, प्लस ठोकने पे इतनी जल्दी कुछ होगा भी नहीं और देखने में प्रीमियम सा लग रहा है। रिफ्लेक्टर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया जो कि आपके सामने में, इसमें 2-3 डिजाइन और आते हैं, किसी भाई को चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बैक कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया जो कि यहाँ पे OM प्लेस हो जाता है, ये आपके सामने में HD कैमरा है अपना। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर जो कि डैश कैम भी लगाया फ्रंट में, ये रहा और फ्रंट में हो रहा, बैक में ये रहा जो कि आपके सामने में दोनों। और अब एक बार चलेंगे अपने इंटीरियर की तरफ भी, उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप अपनी तरीके से करवा भी सकते हैं। किसी को नया वाला मॉडल है तो इसमें लोअर गार्निश वगैरह, विंडो गार्निश वगैरह, साइड बीडिंग, ये सब चीज़ें आप लगवा सकते हो। और एक बार चलता हूँ मैं अपनी इंटीरियर के पास और देखो इंटीरियर का मज़ा, दिखाओ मुझे कि कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे इंटीरियर। ये मैंने खोला, अब देखो आप इंटीरियर जो कि नेक्स्ट लेवल इंटीरियर पूरी गाड़ी के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने लग्जरी लुक दिया है। अपने एम्बियंस लाइट ले लो आप फिनिशिंग में, हाइड्रो डिप हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया यहाँ पे जो कि आपके सामने में, पूरा पोर्शन अपना ये पूरा गेट, ये अपना पूरा डैशबोर्ड, ये देखो अपना हाइड्रो डिप पट्टी यहाँ पे, ये देखो 7 पीसेस का 8 पीसेस का अपना ये किट। उसके बाद ये देखो पूरा स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ हाइड्रो डिप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, जो कि इंटीरियर है इसका नेक्स्ट लेवल हम लोग ने यहाँ पे तैयार कर दिया जो कि हाइड्रो डिप का। आप ये भी फिनिशिंग देखो, गत्ते का भी यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट टच भी कर दिया जो कि प्रॉपर अपना रहने वाला है सॉफ्ट टच भी।
व्हाइट एंड अपना ऑरेंज टाइप के कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने इसको इंटीरियर को तैयार किया है, जो कि अंदर का आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है एक बार जरूर मुझे आप बताना कि ये लग्जरी इंटीरियर आपको लोग को कैसा लगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेलकम लाइट प्लेस कर दिया जो आपके सामने में लुक वाइज बहुत प्यारा प्रीमियम लग के आ रहा है। नीचे की तरफ हम लोगों ने यहाँ पे अपने लॉन्ग टाइम वाले मैट इंस्टॉल कर दिए, 70 मैट हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए बैग गाड़ी में इंस्टॉल कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हाइड्रो डिप कर दिया जो कि प्रॉपर अपनी फिनिशिंग रहने वाली है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आफ्टर मार्केट कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कंपनी पेंटेड हुआ है और कंपनी पेंट की तरह दिखेगा। स्टीयरिंग रैप कर दिया हम लोगों ने जो कि आपके सामने में, हॉर्न भी अपना ये हाइड्रो डिप कर दिया, ये अपने मीटर का कवर भी हाइड्रो डिप कर दिया, उसके बाद ये पट्टी भी, फ्रेम भी, ये अपना पोशन, गियर का कपड़ा, नोब, जितनी भी एवरीथिंग आपको चीज़ें दिख रही है सब यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रो डिप किया है। सीट कवर देखो आप, लग्जूरियस सीट कवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत प्यारे यहाँ पे लग रहे हैं, इसके बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके लग्जूरियस सीट कवर, जो कि इसकी कुशनिंग मैं आपको दिखाऊँ तो नेक्स्ट लेवल इसकी कुशनिंग, कितनी कुशनिंग है मैं इधर देखो आप कितना प्रेस कर पा रहा हूँ इसकी कुशनिंग को, जो कि नीचे भी सेम ऊपर भी सेम। यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा थाई के साथ आपको सीट कवर मिल जाते हैं, सीटें मिल जाती है इसकी थाई के साथ। इंटीरियर की फील भी बहुत तगड़ा यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया आर्मरेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल, जो कि मैंने फर्स्ट अपनी गाड़ी में हम लोगों ने इंस्टॉल किया था इसको, जो कि अब ये हम अधिकतर डिज़ायर के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं, काफ़ी डिज़ायर हो चुकी है हमारी ये चीज़। और ये भी स्टेट अपना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगता है, अच्छा भी लगता है, और इसके बाद ये हमारी कस्टमर को कंफर्ट भी लेवल यहाँ पे दे पाता है। उसके बाद पीछे का आप देखो एक बार, मैं पूरा इंटीरियर आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे इंटीरियर का लुक वाइज लग रहा है। किसी भाई को अगर ये सेम इंटीरियर चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, चाहे वीडियो शेयर करके आप आओगे तो पर्ची जो भी कुछ बनी है आपकी उस पर ऐसा डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ हमने शार्फिन एंटीना भी इंस्टॉल कर दिया जो कि आपके सामने में। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं तो इसके अंदर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री गेयर नोब भी अपने कस्टमर को गिफ्टेड किया है, यहाँ पे गिफ्ट है ये चीज़। मीटर भी चेंज कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे पेट्रोल वाले, डीजल वाले। उसके अंदर का आप चेकआउट करो, बैक साइड भी एक बार मैं जाता हूँ, बैक साइड का गेट का भी अगर मैं खोलूँ यहाँ से भी आप देख सकते हो नेक्स्ट लेवल आपका इंटीरियर यहाँ से देखने को मिल सकता है, जो कि अंदर से पूरा आपके सामने में है। कैसी फिनिशिंग आपको लग रही है एक बार आप जरूर बताना, बहुत तगड़ी इसकी फिनिशिंग यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि मेरे सामने में है। बहुत प्यारा इंटीरियर यहाँ पे तैयार मिल रहा है। तो किसी को भाई को ऐसा ही कुछ इंटीरियर करवाना है तो आप A4 का एसएससी में अपने विजिट कर सकते हो। बिहार से गाड़ी आ रखी थी हमारे पास ये, जो कि आपके सामने में बहुत प्यारा है, बहुत लग्जरी इंटीरियर यहाँ पे तैयार लग रहा है। और कुछ ऐसा ही आप लोग को काम करवाना है तो आप A4 का एसएससी में विजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर हम लोगों ने डैम्पिंग किया है, क्योंकि यहाँ के साउंड सुनो आप, लगा दे यहाँ की साउंड सुनो आप और यहाँ के साउंड सुनो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको साउंड में मिल जाएगा। उसके बाद जो इसके अंदर हम लोगों ने किया है अपने साउंड सिस्टम का काम, जो कि इसके अंदर एंड्रॉयड हम लोगों ने लगाया है, दिखाऊँ मैं आपको अगर तो 10 इंचेस का यहाँ पे एंड्रॉयड लगा दिया, जिसकी वीडियो क्लियरिटी मैं आपको अगर आपको दिखाऊँ तो आप इसकी वीडियो क्लियरिटी देख सकते हैं, बहुत प्यारी इसकी वीडियो क्लियरिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। वीडियो क्लियरिटी आप इसकी देख सकते हैं, कितनी प्यारी इसकी लग्जरी लुक यहाँ पे वीडियो क्लियरिटी मिल रहा है, इतने बड़े स्क्रीन में बहुत प्यारा इसका वीडियो लग रहा है यहाँ पे जो कि आपके सामने में। और एक बार मैं साउंड चला के आपको साउंड का भी चेक करवा दूंगा, उससे पहले आप बैक गियर में देख सकते हैं यहाँ पे, बैक जैसे गियर डालता हूँ यहाँ पे भी आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो कि अपना रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक गियर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो इसको नॉर्मल मैं करूँगा जैसे ही, ये भी अपना फ्रंट पे आ जाएगा और ये भी अपना फ्रंट पे आ जाएगा। तो बहुत प्यारा है यहाँ पे इसका इंटीरियर भी और हर चीज़ में अपना लग्जरी फील यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं अंदर की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आप देखो इसका रूफ भी हम लोगों ने पूरा ब्लैक कर दिया, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सितारा सितारा सा देखने को मिल सकता है रात के समय, बहुत प्यारा इसका रूफ भी निकल के आता है यहाँ पे। इसके बाद ये विंडो शेड होते हैं, ये भी हम लोगों ने प्रॉपर कटिंग करके इसको भी अपना प्रॉपर यहाँ पे शेड को प्रॉपर फिटिंग किया है, जो कि आपके सामने में है। उसके बाद पिल्लर हो गए अपने, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनल में अपना फिटिंग वगैरह किया है, हर चीज़ प्रोफेशनल में फिटिंग रहने वाला है। अब मैं इसका लास्ट आपको साउंड सुना देता हूँ कि साउंड आपको यहाँ पे कैसा लग्जरी साउंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है इसका, जो कि अवतार के ब्रांड सीरीज इसके अंदर स्पीकर्स इंस्टॉल हुए हैं। फ्रंट से मैं आपको दिखाऊँ तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है, नीचे का भी डीआरएल, ऊपर का भी डीआरएल, उसके बाद ये डायमंडाइक कट अपने, जो कि आपके नेक्स्ट लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो गए आ रहे हैं यहाँ पे लुक वाइज में अपने, आप देख सकते हो। आना कहाँ है आपको तो 1 और 4 A4 कार एसेसरी विजिट कर सकते हो, बहुत
प्यारा काम होता है यहाँ पे A4 का एसएस में। आप लोग विजिट कर सकते हो कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन के लिए। बिहार से गाड़ी आई है, आप चाहेंगे तो और भी दूर से आएगी, और बड़ी दूर दूर से गाड़ी आती है हमारे पास भी ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन करवाने के लिए।